वाले अपना बेबी रूम रिवील। फाइनली हमने एक बेबी नर्सरी सेटअप कर ली है। बहुत दिनों से बहुत प्रिपरेशंस चल रही थी, बहुत अरेंजमेंट्स चल रहे थे। मेरे को तो ये था कि यार अपने रूम में बेबी ने रहना है पूरे टाइम, क्या ही फर्क पड़ता है बेबी नर्सरी बनाया ना बनाया। बट बेबी के बाबा को बड़ी एक्साइटमेंट थी कि एक नर्सरी सेटअप करते हैं। चलो आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या क्यूटनेस हमने उसमें ऐड करी है। और अभी तो वैसे बहुत सारी चीजें करें, बट जल्दी से चलते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या है अंदर। लेट्स गो। भाई म्यूजिक म्यूजिक की आवाज आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है अंदर? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या कर रहे हैं यार तुम? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वेलकम टू माई बेबी रूम। ये व्हाट डू यू मीन माई बेबी रूम? आर बेबी रूम। अच्छा अच्छा, मैंने कहा प्रैक्टिस कर ले, बाद में लोरियां भी तो सुनानी पड़ेगी। ओ माई गॉड, ये तो अभी से ही कैरेक्टर में आ गया है यार। वैसे कितने नए नए ट्रेंड आ गए ना, बेबी रूम टूर, फलाना रूम टूर, वो क्या रहा है ये? Exactly यार, मुझे आज भी याद है मैं इतनी छोटी सी होती थी, मतलब छोटी क्या, जब तक बड़ी भी हुई तब तक भी ना हमारे घर में एक बंक बेड होता था। उसमें तीन बेड्स होते थे, मैं और मेरी बहन साथ में सोते थे, भाई दोनों नीचे सोते थे, सारे साथ में सोते थे, कितना मजा आता था। और आजकल देखो ये नए नए जमाने के नए नए बच्चे। सही है यार, सही है, बढ़िया है। तो चलो आपको दिखाते हैं अभी हमारा नर्सरी सेटअप। वैसे आपको रूम में एंटर करने के बाद पता लगी क्या होगा, जो पूरी थीम है वो व्हाइट एंड ग्रे एंड ब्लू एंड ग्रीन्स में है। बहुत सारे कलर्स दिए हमने, बहुत सारे रेनबो वाले कलर्स दिए। वैसे हमने कोई कलर छोड़ा नहीं मुझे लग रहा है। हमने सारे कलर्स इंक्लूड कर दिए इस रूम में। और मुझे ये वॉलपेपर बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जिस दिन ये वॉलपेपर इंस्टॉल हो रहा था ना भाई, मैं इतना रोई हूँ मैं बता नहीं सकती। प्रेरणा आ जा यार, देख तो ले, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे वॉलपेपर तेरे को ग्रे कलर के दिखाए थे, तूने ये सिलेक्ट करा था? मैंने नहीं सिलेक्ट किया, तूने कहा था कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो सोचती ना उसके पीछे है क्या, बादल हैं। बादल ब्लू होते हैं। आजा, मुझे ग्रे चाहिए। आजा अच्छा, आजा आजा पसंद, आजा मैं चेंज करा रहा हूँ। आजा आजा, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या है तेरे पास, ये क्या पड़ा है? ये बच्चों का होता है प्रेरणा, ये पैसिफायर है बच्चों का, इसको क्यों लगा रखा है तूने? मैंने ग्रे कलर का वॉलपेपर सिलेक्ट करा था और इसने वो ग्रे कलर का वॉलपेपर लगने नहीं दिया। तुमने थीम लगाई थी कि बैलून्स लेके ना सारे एनिमल्स उड़ रहे हैं, तो वो उड़ेंगे कहाँ? आसमान में ना, आसमान क्या होता है, ब्लू होता है ना। बात तो सही है, ग्रे तो नहीं होता ना। तो ये वॉल है जिसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे बेबी का कॉट सेट करा है और मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आया है। वैसे इसका आइडिया इतना भी बुरा नहीं था, हमारा बेबी ऐसे लगेगा जैसे आसमान में उड़ रहा है। रियलिटी में नहीं उड़ाना बेटा, तेरे तो पूरे प्लान है उड़ाने के। ये हॉट एयर बलून है, एलिफेंट बेबी ने हाथ में लिया और वो उड़ गया। वैसे जिराफ बैठ के उड़ गया, फिर यहाँ रैबिट उड़ गया, फिर यहाँ कैट उड़ गई। तो लग रहा है बेबी अगर ये देख के बड़ा हुआ ना, वो सच में कहेगा मेरे को बैलून दो, मुझे हवा में उड़ना। मुझे क्या लगता है ये सब देखने के बाद वो ट्रैवलर बनेगा, पक्का वाला ट्रैवलर, कि बेटे मेरे को हॉट एयर बैलूनिंग करनी है, मुझे एनिमल्स देखने हैं, सफारी पे जाना है। मैं बता रही हूँ बहुत अच्छी थीम कराई है। आई जस्ट होप कि बेबी गर्ल हो, कितनी क्यूट होती है यार। लड़के तो बिल्कुल इसकी तरह निकले, एकदम शैतान शरारती। ये देखो गिरा दिया, ये अपने आप ही गिरता रहता है यार, ये उस दिन क्यों लिया मैंने। चल सीधा रहे, बता अभी से बच्चों की चीजें खराब कर रहे हैं, बता उसकी पिटाई। ये देख फिर गिर गया। बड़ा हो जा अब तो बड़ा हो जा। बड़ा जरूर हो गया है, फिर भी तू छोटा है। तो गाइस ये जो जिराफ है ना, इसका नाम है सूकी। नामकरण भी हो गया? हाँ इसका नामकरण हो गया, पर हमारे बेबी का नामकरण अभी तक नहीं हो पाया, हम बिल्कुल कोई नाम नहीं सोच पा रहे। एनीवे ये जो कॉट है, ये बेबी हक की कॉट है और इस कॉट में बैजिनेट है और दो फ्लोर है, नीचे सारी स्टोरेज की स्पेस है। ये हट जाता है ये चीज, ये बेड के साथ अटैच कर लो तो बेबी आपके साथ बेड पे साइड पे सो सकता है। इसके अंदर मैंने पिलोज लगाए हैं बहुत क्यूट क्यूट से। ये कॉट के ऊपर नेट है ताकि बेबी को मस्किटोज ना काटे। और यहाँ से ना एक स्ट्रिंग अटैच करेंगे, वो जो चलता रहता है ना, एक मोबाइल होता है, बेबी उसको देख के ऐसे एंजॉय करता है, खेलता रहता है, फिर वो बड़ा बड़ा होता रहता है बेबी, और उसके बाद माँ बाप को दुखी करता है हमारी तरह। हमें भी पता लग जाएगा भाई हमने अपने माँ बाप को कितना परेशान किया। और हमने यहाँ पे चांद सितारे भी लटका दिए, इसे बंटिंग बोलते हैं। ओवरऑल मुझे ये लुक बहुत अच्छा लगा एंड आई होप बेबी को भी अच्छा लगे। बेस्ट। एनीवे यही था इस कॉट का काम। आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं चेस्टर ड्रॉर, जो हमने बड़ी मेहनत से बनवाया कसम से। हर सारे डायपर्स तुझे ही चेंज करने पड़ेंगे। कर देंगे। क्या बात है, गुड, आई लाइक इट, वी आर अ टीम। अबे करना पड़ेगा भाई। अच्छा भाई इसमें ना कुल 9 ड्रॉर्स हैं, पता नहीं क्या क्या सामान रखा है प्रेरणा ने, चलो देखते हैं। यहाँ पे सारे डायपर्स, यहाँ पे बेब्स, यहाँ पे मसलिन स्वाडल्स, चेंजिंग बेड, सब कुछ यहाँ पे हमने बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करे हैं। बर्क क्लोथ्स, अपनी अलमीरा मैंने ऑर्गेनाइज नहीं करी, पर मैंने इनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है एंड आई एम सो प्राउड। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। ब्लैंकेट, टॉवल, ये क्या है, ये कैसा टॉवल हुआ? हर्ष इसको अपने सर पे मत डाल लेना, मुझे पता है तू यही करने वाला है। अच्छा बेबी का मत कर। तो मैं भी तो बेबी हूँ। नहीं तू
बेबी। अच्छा इसके अंदर मुंह चला जाता है और वो ऐसे पहन के घूमेगा। ओह माय गॉड, शर्म नहीं आती मुझे, उसे दोबारा धोना पड़ेगा। यार कितना तो क्यूट है ये, मेरी तरह क्यूट है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेबी की बॉटल्स हैं, उसके लिए ब्लैंकेट है, नेल क्लिपर है। पैदा होते बेबी के नेल्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो हम जल्दी जल्दी काटेंगे। पैसिफायर्स, यार ये ना सबसे क्यूट लगा था मुझे लामा। लामा अभी तक हम पेरू नहीं जा पाए ना, मैंने सोचा बेबी के साथ हम तुमने देखे थे। इसके साथ बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट है, ये टेडी बेयर है, बहुत सारे टॉयज, ये फिर से बहुत सारे बेडिंग्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें बेबी पूरा कवर हो जाता है ना, इसके अंदर आप बेबी को सुला सकते हो। ये भी जिराफ वाली बेडिंग है। यार ये इतनी प्यारी डॉल है ना, ये हमने जापान से ली थी। एग्जैक्टली वो ऐसे ऐसे करके हक करके सो, पहले मैं अपने लिए चीजें लेती थी, अब मेरे को लगता है कि सब कुछ बेबी के लिए। ये हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से, ये मेरी फेवरेट है। पीकू कितनी क्यूट है। मिस किटी ये भी हमने जापान से ली थी, और ये मिस हेलो किटी डायरेक्ट फ्रॉम साउथ कोरिया। और यहाँ पे हमने रखे हैं ये दो लिटिल शूज जो ये मम्मी लेके आई थी। उसके बाद इसे बोलते हैं डायपर चेंजिंग स्टेशन, यहाँ पे बेबी को लेटाओ और आराम से उसके डायपर्स चेंज करो। हाँ बड़े ध्यान से देख रहा है क्योंकि इसको इसकी गलती रियलाइज हो गई है। मैं इसको पिछले 2 हफ्तों से कह रही हूँ हर्ष बुकशेल्फ कब से आया हुआ है, लगा दे रूम टूर के टाइम पक्का रह जाएगा। वो रह गया। ये लड़कियों की बात लड़के सुनते क्यों नहीं है, पता नहीं हमें क्या समझते हैं। यहाँ बुक्स लगेंगी तभी तो हमारा बेबी इंटेलेक्चुअल बनेगा, इंटेलिजेंट बनेगा। क्या वो सर पकड़ के क्यों बैठ गया, चक्कर चुक्कर आ रहे हैं? यार मुझे ना अभी से टेंशन हो रही है उसकी स्कूलिंग की, उसके कॉलेज की, आगे जाके उसको अगर GRE टॉफिल के एग्जाम देने हुए तो। सल्यूट है भाई आपको, कभी अपने स्कूल में इतनी टेंशन ली थी तूने? ना इसको ना आपको, किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर टॉफल एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप ETS.org पे जाओ, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज और टूल्स हैं जहाँ पे आप टॉफल, GRE, प्रैक्सिस जैसे एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट और स्टडी गाइड्स का मटेरियल मिल जाता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आपका स्कोर इम्प्रूव होता है। तो वेट किस चीज का करो, अभी के अभी साइन अप करो ETS.org पे। हमारा कूपन कोड BRIM3 यूज करने पे आपको मिलेगा 1600 का ऑफ। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टॉफल एग्जाम, अपनी जर्नी शुरू करो आज के आज। अभी अगर तेरी थोड़ी टेंशन कम हो गई हो तो हम आगे दिखाएं हमने कितनी सुंदर अलमारी मंगाई है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अबे एक बात बता, तुझे पसंद क्या आ रहा है फिर? मुझे तो तू बहुत पसंद है। आओ मैं आपको अलमीरा दिखा दूं। नहीं उससे पहले मैं बताती हूँ कि हमने ये भी लिया है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने डालने का सोचा था। ये भी लामा बना हुआ है इसके ऊपर। इसके अंदर अभी फिलहाल टॉयज रख दिए मैंने। आ जाना यार अलमारी दिखाने दे। हाँ दिखाओ भाई। कपड़े जो बहुत सारे कपड़े कहाँ गए बच्चे के? अरे ये अलमारी बंद करना है, ये मेरी अलमारी है। यू आर चालाक ब्रो। यही होता है यार, देख रहे हो बच्चे की अलमारी मंगवाई थी, इसने अपना सामान ढूंढ दिया। अरे मैं तो दिखाऊंगा इसमें। नहीं यार प्लीज ऐसे मत कर यार। ये सिर्फ मेकअप 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 चारों तरफ मेकअप। हाँ तोड़ दे मेरे सारे परफ्यूम। जब बड़ा होगा तो बच्चा। अबे बहुत क्या कह रहा है। ये प्रेरणा की वॉचेस की कलेक्शन। हर्ष ये बेबी रूम टूर चल रहा था, ये क्या मेरा क्लोसेट टूर नहीं हो रहा? प्लीज रिच पीपल, प्रेरणा रिच पीपल। बहुत पता है मैं नो वॉच मैं गरीब हूँ। ये सबसे क्यूट है, सबसे क्यूट चीजें बच्चे के कपड़े। ये सबसे पहले एनिमल बेबी, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। पता है वो दिन याद है जब हम ये कपड़े खरीद रहे थे यार? ये हमने सारे कपड़े लिए थे जापान के टॉयज आर अस स्टोर से। तो यहाँ हर्ष की शॉपिंग भी शुरू हो गई है। यार ये ट्रेन बढ़िया लग रही है मुझे। हाँ यार काफी क्यूट है। भाई मैंने ना ले लिए इतने सारे कपड़े, अभी इसकी कोई लिमिट नहीं। अच्छा ये मैंने लिया एक ट्रेन, ये लिए मैंने 2 onesies और ये आई लव पापा ले रहा था, पता नहीं मम्मा कहाँ से आ गया। ये लिया मैंने चिक्स का, ये जो हुडी होता है ना जैसे मैं पहनता ऐसे ये स्ट्राइप्स वाले। हाय 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 हाय, इसके कान भी है यार बड़ा क्यूट है। फिर मैंने ये ले लिया एक बेडिंग। मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा है, हमारा बेबी पू द बेयर बन जाएगा या फिर ये बन जाएगा डायनासोर। यार एक ये वाला भी ले लेते हैं यार। एक बात बताऊं, बच्चों की किस्मत है यार, क्या अल्टीमेट कलर्स है ना, क्या सुंदर सुंदर टोपियां हैं, मस्त है यार। ये भी कहीं नहीं मिलेगी, ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है तू खुद बच्चा बन गया। बता बैग्स देख यार, ओ भाई क्या स्नूपी के बैग्स पड़े हैं पे। ये देख, ये हम बड़े अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग कपड़े लेके आए हुए हैं। और एक अब और दिखाते हैं। सारे उतार उतार के दिखाएगा। ये देख डायनासोर्स, ये कितना अच्छा है ना बाबा। ये रिवर्सिबल है, कौन सा, ये 4 दिन नहीं चलने, 4 दिन में बच्चा पता कितना बड़ा हो जाता है। ये देख ड्रीम, इसके साथ बिब लगी हुई है, खाना खाओ यहीं पे निकल। तो क्योंकि हमें बहुत ज्यादा शौक था कि हमें पहले ही कपड़े लेने हैं अलग अलग कंट्री से, तो हमने ना सारे न्यूट्रल कलर्स लिए हैं कि लड़का हो या लड़की हो दोनों पे वो कलर सूट कर जाए। और बेज, क्रीम, व्हाइट कलर के क्यूट क्यूट कपड़े सच्ची में बहुत प्यारे हैं। आई लव मामा। डैड वाली कोई नहीं है, डोरेमोन ये आ गए ना, डोरेमोन डैडी। ये डोरेमोन वाले डोरेमोन डैडी आ गए हैं। ये बहुत क्यूट है यार सच में। यार ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए एकदम 0 मंथ्स वाले। यार हमने ना हैंगर्स भी बड़े सोच के मंगवाए हैं, देख रहे हो आप? हाँ इस पे ऐसे एनिमल
एनिमल्स बने हुए। फिर ये एक और, ये बहुत क्यूट है, मुझे इसके कॉलर बड़े अच्छे लगे, पर ये थोड़ा गर्ली है। ये देख बच्चा इतने कपड़े पहनेगा भी? अबे यार ये हर एज ग्रुप के लिए पता है। ये बता ये कहाँ से? ये हम कोरिया से लेके आए थे, बहुत क्यूट है ये, हमने सबसे पहली शॉपिंग हमने इसी चीज की करी। और ये देखिए जापान से, ये क्यूट है। देखते हैं बेबी किमोनो में कैसे लगते हैं। और फिर एक और ये बड़ी सी चीज ली है प्रेरणा ने, ये बेड सेट है। ये ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा और इसके अंदर बेबी आराम से सो सकता है। ये मम्मी बड़ा क्यूट सा एक सेट लेके आई है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बेड सेट है, रोम्पर्स हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें हैं डायरेक्ट फ्रॉम टर्की। ये न्यूबॉर्न के लिए एकदम छोटी सी पैंट है, मतलब मेरे मुंह से भी छोटी है यार। ये सॉक्स है अलग अलग कलर की, ये शूज है और ऐसे मिटन्स भी, ऐसे हाथों में पहना दो ताकि बच्चे ना स्क्रैच कर लेते हैं खुद को ही, वो स्क्रैच नहीं करेंगे। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है ना कि बच्चों को कैसे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ सोच सोच के कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इतनी रिसर्च कर ली ना। अब मैंने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। हमारे मम्मी पापा ने भी तो मैं ऐसे खेलते खालते पाल लिया यार, ठीक है हमारे भी ऐसे पल जाएंगे। ओ बाय द वे आज मैं आपको बताना चाहती हूँ टॉप सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक जो की है पारस ज्योत, खुशप्रीत, हैरी, रेखा, वेदिका, आलिया, अभिजीत, मयंक, सागर और आरुषि। और अगर आप भी बनना चाहते हो टॉप सब्सक्राइबर ऑफ नेक्स्ट वीक तो आपको गेस करना है कि बेबी शावर पे हर्ष कौन से कलर की ड्रेस पहनेगा। मेरी तो येलो है सबको पता है, पर हर्ष की कौन सी है हर्ष को भी नहीं पता। और ये बेबी रूम आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक मैंने कुछ मिस नहीं करा है इसमें, कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करा। वैसे भी बहुत सारी चीजें हमें इसमें ऐड करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। सबसे पहले तो इसको निकालो भाई, ये देखते हो बेबी की टोपी यहीं छोड़ दी। हाँ हाँ यही पहनने के लिए नहीं हर्ष प्लीज। मैं पहन नहीं रहा, मैं बस देख रहा था भाई, तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे को। तो मैंने सोचा नानी आई है तो लगे हाथ इनका रिएक्शन लेते हैं। आओ भाई रिएक्शन। यस बेबी रूम तैयार कर दिया हमने। हाउज इट? बहुत बढ़िया यार, ये बड़ा सुंदर है। अच्छा मैं तो अपने ध्यान में ऐसे ही घुस रही थी अंदर। देख रहे हो वो? कैसा लग रहा है? वाह वाह क्या सीन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बड़ा प्यारा है। अच्छा बेबी के कपड़े भी आ गए? यस बहुत ही सुंदर है। बच्चे की गिफ्ट चुरा सकते हैं? नहीं अभी से ही देखो गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए। सामान उसमें देखो अलमीरा में कितने सारे हमने सेट करके रखा है। वॉलपेपर बहुत प्यारे हैं यार, रूम ही बहुत प्यारे हैं ऑल ओवर। देखो कल सुबह तक आपको दो तीन चीजें यहाँ पे ना मिले। यार मेरे को बहुत अच्छा लगा है अभी बिना देखे। नहीं नहीं मैं देखा था अभी, जीजू को मैं बता रहा था, मैं सोच रहा था इसमें मैं ही सो जाऊं, ये अच्छा है। और एक बहुत क्यूट चीज दिखाऊं? उसके अंदर खोल के देख, मम्मा है ये, मम्मा ये मामा है, ये सारे जापानीज कलेक्शन है। यहाँ अपने मेकअप हटा के अच्छा सामान डाल दे। यही हमारा बेबी रूम और आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो डू टेल मी इन द कमेंट्स और प्लीज वीडियो का लाइक जरूर करना यार, लाइक नहीं करते ना वीडियो की रीच रुक जाती है। और कमेंट भी करना, शेयर भी करना वीडियो को, बहुत सारा प्यार देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।